क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी उस मुद्दे की जिसकी गूंज पूरे देश में रही, वो मुद्दा जो सियासत का केंद्र बन गया, वो मुद्दा जो किसान आंदोलन से जुड़ा रहा, वो आंदोलन जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, वो आंदोलन जिसको लेकर इतिहास रच गया। अब तय यह हुआ कि घर वापसी की जाए, तो लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आंदोलन का दी एंड हो ही गया। लेकिन क्या आंदोलन का दी एंड हो गया, यह प्रश्न यहां पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह आंदोलन स्थगित हुआ, जिसका जिक्र किया जा रहा है कि आंदोलन का दी एंड। यह बात क्यों? क्योंकि किसान नेताओं ने संकेत साफ दे दिए कि अभी जब तक एमएसपी नहीं तब तक लड़ाई जाएगी। अब सीधे तौर पर आंदोलन से किसे फायदा किसे नुकसान, सवाल यह भी खड़ा होने लगा है। आंदोलन खत्म या स्थगित, आंदोलन से आखिरकार हासिल क्या होगा, सवाल कई है। लेकिन इन सवालों के बीच में किसानों की घर वापसी की तस्वीरें अपने आप में संदेश और संकेत दे रही थी कि कैसे जिन बातों को लेकर, जिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये आंदोलन लंबा खिंचा कि घर वापसी कब हो। अब वो दिन भी आ गया, वो तारीख भी आ गई, वो लम्हा भी आ गया जब देश इन किसानों को घर जाते हुए देख रहा है। इस देश ने इसी बॉर्डर पर, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर उन किसानों को धूप में भी देखा, सर्दी में भी देखा, बारिशों में भी देखा। लेकिन आंदोलन को लेकर जिस कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी, वो आंदोलन ने उन शहादतों को भी देखा जब किसानों ने इसी बॉर्डर पर दम भी तोड़ा। आंदोलनकारी किसानों ने उस दौर को भी देखा जब 26 जनवरी में उनके ऊपर एक कलंक भी लगा और सवाल भी खड़े हुए कि क्या ये किसान है। लेकिन आज यही किसान घर वापसी करते हुए दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आंदोलनकारी किस तरह से घर वापसी के लिए बेकरार दिखाई दिए, लेकिन एक संदेश भी दे गए कि अभी यह लड़ाई लंबी चलेगी अगर सरकार मानी नहीं। लेकिन सरकार ने भी सीधे तौर पर संकेत दिए हैं कि किसान आंदोलन के दौरान जो मांगे संयुक्त किसान मोर्चे ने रखी है उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा, चाहे वो एमएसपी का मसला हो या फिर इसके साथ साथ पराली का मसला हो, सभी केस वापस लेने का जिक्र हो या फिर बिजली बिल पर चर्चा हो, पीड़ित परिवारों को मुआवजे को लेकर भी सरकार संजीदा होने का दावा कर रही है। लेकिन क्या किसान मान गए? क्या यह आंदोलन खत्म हुआ या फिर यह आंदोलन स्थगित हुआ? अपने आप में वो सवाल है जिसके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमान, हम उनसे आपको रूबरू ही करवाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार सियासत के इस खेल में किसान आंदोलन क्या वाकई बीजेपी के लिए इस वक्त जख्म पर मरहम लगाने की जो कोशिश है वो कामयाबी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर ये जख्म कुरेद कर विपक्ष एक बार फिर से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करेगा। आंदोलनकारी किसान, क्योंकि 1 दिसंबर को राष्ट्रपति ने जो मुहर लगाई थी वापसी की, अब सीधे तौर पर एक खुशी के माहौल का जिक्र किया जा रहा है। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे, तारुफ करवाएंगे उनका आपसे। हमारे साथ जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे संजीव वर्मा, जो कि बीजेपी का चेहरा है, बीजेपी के नजरिए से बताएंगे कि इस आंदोलन से क्या वाकई बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। साथ ही साथ हमारे साथ एके मिश्रा ज्वाइन करेंगे, जो कि राजनीतिक विशेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार क्या इस आंदोलन को कहा जा सकता है पूरी तरह से कि आप आंदोलन खत्म हो गया, या फिर जो बार बार मैं कह रहा हूं कि आंदोलन खत्म नहीं स्थगित हुआ। साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अभिमन्यु त्यागी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ
सवित मलिक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि किसान नेता हैं और तमाम न्यूज चैनल पर आप उन्हें अपनी बेबाक राय के लिए देखते और सुनते आए हैं। सवित मलिक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और उन्हीं से ही इस चर्चा की मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आंदोलन को लेकर तमाम सवाल जिसका जवाब किसान नेताओं के पास ही है, संयुक्त किसान मोर्चे के पास ही है। और संयुक्त किसान मोर्चे ने क्या यह आंदोलन खत्म कर दिया जिसका जिक्र तमाम न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल हटकर है, यह आंदोलन खत्म हुआ है या स्थगित हुआ है? क्योंकि यह घर वापसी संकेत दे रही है कि यह आंदोलन खत्म हो चुका है, या फिर किसान संयुक्त किसान मोर्चा खासतौर पर कुछ और रणनीति पर काम भी करेगा। ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रुक करूंगा, सवित मलिक साहब आपका, मलिक साहब का अगर ऑडियो आपको आ रहा है तो मेरा सवाल आपसे हटकर है कुछ, और आपसे ही मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आंदोलन से किसे फायदा किसे नुकसान इसका आकलन भी अब होना चाहिए, और यह भी होना चाहिए कि आखिरकार इस किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ। वैसे मैंने तीन पिछले जो कार्यक्रम है उसमें बताया कि इस किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ देश को, क्योंकि हमारे ही एक मित्र ने पूछा था कि इस किसान आंदोलन से हासिल क्या हुआ। 1 साल 15 दिन में किसानों ने जो कुछ देखा झेला और उसके बाद घर वापसी की जाती हुई तस्वीरें एक सुखद संदेश तो दे रही है, लेकिन उसका हिसाब किताब भी अभी बाकी है कि 1 साल 15 दिन में जो कुछ बदला वो बदला क्या। सीधा रुक कर रहे सवित मलिक साहब, आंदोलन स्थगित या खत्म, सवाल मेरा आपसे मलिक साहब। मलिक साहब मेरा ऑडियो आपको आ रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगा, अनम्यूट कर दीजिएगा मलिक साहब, अनम्यूट कर लीजिए और फिर अपनी बात को रखिए। हाँ तिलक जी, जी मलिक साहब, हेलो जी मलिक साहब, आपका ऑडियो आ रहा है? हम ये कह रहे हैं आंदोलन खत्म या स्थगित, आपका क्वेश्चन हमको नहीं मिला लेकिन हम अपनी बात रख देते हैं। ऐसा 380 दिन का ये जो आंदोलन चला है एक ऐतिहासिक आंदोलन है, और इसमें हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। हमने अपने परिवार के 700 लोग खोए हैं, हमने वो लोग देखे हैं जो किसान विरोधी हैं, हमने इसमें वो लोग देखे हैं जो जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करते हैं, हमने वो लोग देखे हैं जो पैसे के दम पर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, हमने वो लोग देखे हैं जो प्रदेश के नाम पर और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, और हमने पाया बहुत कुछ में ये है कि आज हर जगह किसान की बात हो रही है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे पेपर हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, हर किसी के घोषणा पत्र में आज किसान है। आज हर आदमी की भावना किसान के साथ जुड़ी हुई है। हमने अपनी बातें सारी मनवाई हैं, एक दो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं जिन पर सरकार ने सहमति दी है, और आज लोकतंत्र की जीत हुई है। आज देश को और समाज को यह पता लगा है अगर निष्ठा ईमानदारी और अहिंसा के रास्ते से चला जाए तो बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। इससे लोकतंत्र का एक जो दायरा है वो बड़ा है और लोगों का विश्वास उसमें बड़ा है। हम लोग जिस तरीके से आए थे सम्मान के साथ वापस जा रहे हैं, लेकिन जो हमको घाव इस सरकार ने दिए, जो हमारे लिए गड्ढे खोदे, जो हमारे ऊपर पानी की बौछार करी, जो बैरिगेट लगाए, जो हमारे सीनों पर कीले ठोकी, उसको भी किसान याद साथ लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान के मन में दर्द भी है, दुख भी है, खुशी भी है कि जो बेलगाम घोड़ा इनका दौड़ रहा था, हर गर्मी तक दौड़ रही थी, उसको पकड़कर उसके नाक में नकेल डालने का काम किसान ने किया है। ये तिलक जी, मैं मलिक साहब मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ। मैं पूछना चाह रहा था कि ये आंदोलन खत्म हुआ या स्थगित हुआ? ये आंदोलन अभी स्थगित हुआ है क्योंकि हमारी सरकार से बातचीत चल रही है। सरकार ने 15 जनवरी तक का समय दिया है कि आपकी सारी मांगे मानी जाएगी, और अभी इस 15 दिसंबर को भी एक समीक्षा बैठक होगी, और इसके बाद भी लगातार किसान संगठनों की बैठक होती रहेगी, और सरकार क्या आगे हमारी मांगों पर कार्रवाई कर रही है उसके हिसाब से ही होगा।
ये आंदोलन का पहला अध्याय समाप्त हुआ है, अभी पूरी किताब बाकी है। पहला अध्याय समाप्त हुआ है, लेकिन आपने जिक्र किया कि 380 दिनों में आंदोलन ने क्या कुछ देखा, 700 किसानों की जान गई, किसान विरोधियों के चेहरे देख लिए और देख लिया कि किसान अब बटेगा नहीं। मेरे मित्र ने भी पूछा था मलिक साहब, अब किस कैटेगरी में आपने न्यूज वाइज इंडिया और हमें फिट किया है वो आप खुद ही तय कर लीजिएगा, लेकिन किसानी पर चर्चा आज मेरे देश में हो रही है। आज MSP बला क्या है मेरा देश जान गया, मेरा देश ये जान गया कि C250 क्या है, और मेरा देश ये जान गया कि किसानों का कोई धर्म नहीं है। जो जात में बांट देते थे किसानों को, जो धर्म में बांट देते थे, आज उन्हें भी मालूम चल गया कि ये किसान है, आतंकी या खालिस्तानी नहीं। इसीलिए मैंने आपसे यह सवाल पूछा था कि यह आंदोलन का दी है, क्योंकि मैं देख रहा था सब जगह कि आंदोलन खत्म, आंदोलन खत्म, आंदोलन खत्म। मैंने तभी मलिक साहब सोच समझ कर यह सवाल पूछा कि आंदोलन खत्म या स्थगित। जल्दी से अपनी बात रखिए मलिक साहब, फिर मैं उसके बाद संजीव वर्मा जी आपके पास आता। बिल्कुल तिलक जी, आपने सही कहा है, और ये आंदोलन का मैंने बताया एक अध्याय समाप्त हुआ है, और अभी तो लगातार चीजें जारी हैं। अभी उत्तर प्रदेश के कैराना में कल एक महापंचायत हो रही है, जिसमें लेके और मुद्दों पर भी बात होगी। ये जो लड़ाई थी हमारी, ये केंद्र सरकार की लड़ाई थी, दिल्ली सरकार की लड़ाई थी, उससे हमारी बातें हुई हैं, और सभी प्रदेशों में जो किसान दुखी है, परेशान है, उनको लेकर भी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसका शंखनाद कल उत्तर प्रदेश के कैराना से होगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, जो इन्होंने 14 दिन का वादा किया था। आवारा पशुओं से हमारी सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं, बिजली का रेट बहुत बढ़ गया है, जब फसल की बिजाई होती है तब DAP नहीं मिलता, और जब उसमें पानी देने का नंबर आता है तब यूरिया नहीं मिलता। ऐसे तमाम जो प्रदेश सरकार के भी दायरे में आते हैं, तो केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी आवाज उठाई जाएगी, और इसका संकनाद कल उत्तर प्रदेश के कैराना से किया जा रहा है। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ, ये लड़ाई लंबी है और तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। लेकिन संजीव वर्मा जी, अब मैं आपके पास आता हूँ, आपने सुना कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। वर्मा जी, तिलक जी देखिए, तिलक जी देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुरुपूर्व के दिन सभी किसान भाइयों से आग्रह किया कि बिल को वापस ले लिया गया है और आप सभी लोग अपने अपने घरों पे जाइए और अपने बच्चों के साथ गुरुपूर्व का त्यौहार मनाइए, और किसान के साथ सरकार है, किसान के किसान का किसी भी प्रकार का जो भी हित है उनका हम पूरा ध्यान रखेंगे, और चाहे MSP का मामला हो, चाहे ये डिस्टर्ब कर रहा है सर, अपनी बात रखिए प्लीज, कंटिन्यू, आपके बात जा रही है। उन्होंने कहा चाहे MSP का मामला हो, चाहे किसान की जितनी भी मांगे हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम किसान के साथ हैं, हम किसान के हितैषी हैं, और किसान को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए, हम आपकी बात को सुना नहीं, उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। अभी भी आपको ये डर है कि इस आंदोलन के जख्म है वो कहीं ना कहीं कुरेदने की कोशिश विपक्ष करेगा। तिलक जी देखिए, सरकार किसान के साथ है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। हाँ, विपक्ष का काम हमेशा जख्मों को कुरेदने का ही रहता है, वो चाहे किसान के जख्म कुरेद रही हो, चाहे अन्य मामलों में। आपको लगता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? सर देखिए, हमने जो ये किसान बिल लेकर आए थे, सरकार जो किसान बिल लेके आई थी, आप अगर मैं उन सारी चीजों में दोबारा से नहीं जाना चाहता, लोकतंत्र में बहुत सारे इस तरह के रोल बैक वाली स्थितियां भी होती हैं, और रोल बैक केवल किसानों का हित देखते हुए, लोकतंत्र में जो उनकी जनभावना थी, उनकी जनभावनाओं का
सम्मान करते हुए किसानों के हित में ये बिल लेके आया गया था, किसानों के हित में बिल लेके आया गया था, एक मिनट किसानों के हित में बिल लेके आया गया था, लेकिन किसानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब राम जानी उसके पीछे क्या क्या वजह रही, उसके पीछे बड़ी वजह किसानों को विपक्ष के द्वारा गुमराह करना एक सबसे अच्छा, बड़ी तो सबसे बड़ी वजह थी। और जब हमने देखा कि किसान नहीं चाह रहा है उन बिलों को लागू करना, तो सरकार ने उस बिल को वापस लिया। और वही कहा ना, बहुत देर कर दी ना हुजूर आते आते, आपकी आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी और आपने 30 जनवरी को कहा कि एक फोन कॉल की दूरी, और उसके बाद 10 महीने हो गए और फिर आपने ये तय किया एकाएक कि हाँ अब हमें कानून वापस ले लेना चाहिए। तिलक जी, आपको लगता है कि बहुत देर कर दी आपने? तिलक जी, सरकार के द्वारा कई बार आग्रह किया गया किसान नेताओं से कि आइए टेबल पे बैठिए, लेकिन किसी न किसी वजह से बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न होते रहे और वो घड़ी धीरे धीरे आगे खिसकती रही। अगर न्योता दिया होता तो किसान पहुंचते नहीं क्या? नहीं, न्योता तो कहीं दिया तो बताइए मुझे। सर, न्योता कई बार दिया गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप इस तरह का रहा। अच्छा, ये प्रयास तो पहले भी किए जा सकते थे ना? नहीं, सरकार ने लगातार प्रयास किए, लेकिन कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा जिसकी वजह से व्यवधान उत्पन्न होते रहे। और मलिक साहब, अपना म्यूट अनम्यूट कर लीजिए उसको सर, और अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ वर्मा जी जो बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने प्रयास तो किया, पर्दे के पीछे भी किया, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन लेकिन सरकार जो है हर धर्मिता पर थी, लेकिन वो सारी बातें अब हो गई है। अब सीधी बात ये है कि इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये किया है, लेकिन राजनीतिक लाभ मिलेगा कि नहीं ये भविष्य का गर्त में है। और सीधा ये है, अगर अभी चुनाव ना होते तो ना कानून वापस लेते ना हमारी बात मानते। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं इसमें भारी नुकसान हो रहा है, उसी को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। मलिक जी, आप लोगों ने कहा, खुले मंच पर कहा कि इनको वोट की चोट देंगे, आपका मिशन यूपी जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा? किसी भी स्तर से, ना फोन से, ना स्ट्रीम यार्ड से। मलिक साहब, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा है तो मेरा सवाल सीधे तौर पर यह था कि आपने कहा था कि वोट की चोट देंगे बीजेपी को, तो क्या मिशन यूपी जारी रहेगा या वो भी स्थगित हो गया? तिलक जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं कनेक्ट कर रहा हूं सर, कनेक्ट कर रहा हूं दोबारा से। लेकिन एके मिश्रा, मेरा ऑडियो आ रहा आपको? हाँ, बोलिए। चौधरी एके मिश्रा जी, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। मैं जानना चाह रहा था, आज किसान घर वापसी जा रहे हैं, किसान घर वापसी जा रहे हैं, खुश है किसान, आप परेशान लग रहे हैं, क्यों, मैं जान सकता हूं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो इनसे दुगना खुश हूं। देखिए, लौट के बुद्धू घर को आए, सुबह का बोला भूला अगर शाम को जो है घर वापस चले आए तो भूल नहीं उसको बोलते ना, हैं ना, ना, तो जो भी घर को आए। क्या टिप्पणी करी आपने, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। बड़ी 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 अपमानजनक टिप्पणी है ये, अपमानजनक टिप्पणी नहीं है। सठे साठम समाचार है, तुम क्या समझते हो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सम्मानजनक बात की जाएगी, टिप्पणी सम्मानजनक की जाएगी तुम जैसे लोगों के लिए? जो सम्मान का हकदार होता है उसको सम्मान दिया जाता है, जो सम्मान से बातें करता है उसको सम्मान दिया जाता है। मिश्रा जी, आप किसान, अच्छा मलिक जी जो है वो किसान नहीं है, किसान भी ठेकेदार है, आप ये कह रहे हैं? चावला जी, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, ये ताऊ उधर जो बैठे हुए है ना, अपनी बेटी के उम्र की लड़की को नचा करके डांस देख रहे थे, और इनको सम्मान दिया जाएगा और वो भी खुले मंच पे? मुझे अपनी बात कंटिन्यू करने दीजिए, मैं बहुत खुश हूं, इन लोगों से बहुत ज्यादा खुश हूं। उसके पीछे कारण है, किसान जा रहे हैं और इन्होंने सरकार को झुका दिया, पूरे देश की जनता को झुका दिया। अब देखिए,
कितने गजब के इनको फायदे हुए हैं, पर हेक्टेयर उपज एकदम बढ़ गई, दुनिया में नंबर वन हो गई है, ठीक है। बिजली के बिल अब कभी किसानों को नहीं, हर किसान मिलियनायर बन गया है, करोड़पति बन गया है टिकैत की तरह। और जो नेता है, जो यहाँ एसी और दारू वगैरह होते थे, वो अब हर किसानों को घर पे मिलने लगे हैं। अब किसानों को ना बीज की चिंता रही है, खेती से रिलेटेड जितनी दिक्कतें होती थी वो सारी दिक्कतें दूर कर लिया है इन्होंने एक साल में। तो इसमें खुश नहीं होंगे तो क्या होंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे से किसान जो है इन चीजों की, अब ये जो तथा कथित अपने आप को किसान बोलते हैं, अब वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई अब हमको तो चड्डी भी सिलवाना है तो सरकार उसके लिए भी बिल लाए। सारी मांगे तो मान ली गई ना, सारी समस्याएं तो दूर हो गई। इतनी उपज बढ़ गई है, कीटनाशक फ्री में मिल रहे हैं, बिजली का बिल फ्री में मिल, सारी समस्याएं तो सॉल्व हो गई। अब कौन सी समस्या देश में किसानों की है जिसके लिए ये वापस आएंगे? एक समस्या बताइए जो इनकी बाकी रह गई हो। इनका उद्देश्य था बिल वापस लो, बिल वापस हो गया, बिल वापस होते ही किसानों की सारी समस्या खत्म, जो 70 साल पहले से थी और जो आगे 100 साल तक आती। तो मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा? मैं तो भांगड़ा डाल रहा हूं। किसान जितने ताऊ बैठे हुए हैं वो 16 साल की लड़कियों का वहां पे डांस देख रहे हैं, अपनी बेटी के उम्र के लड़कियों का इस खुशी में डांस देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करें। एमएसपी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आपको ये लगता है? अरे जरूरत क्या है एमएसपी पे चर्चा होने की? मिश्रा ये बोल रहे थे बिल वापस करो, बिल वापस हो गया, अब किस चीज पे चर्चा बाकी है भाई? जो काला बिल था वो वापस डब्बे में चला गया, अब किस चीज पे चर्चा करें बताइए ना, कौन सा टॉपिक बचा है? और हमने बता दिया सारी उपलब्धि हो गई, पर हेक्टेयर उपज बढ़ गई, बिजली हर घर में सोलर पैनल लग गया, सारे किसान जितने गरीब थे वो सब करोड़पति बन गए हैं, सब लेमोजीन में मर्सिडीज में चलने लगे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हाँ कमी एक रहेगी कि अब घर जाएंगे तो घर में बीवी बच्चे भी रहेंगे तो वहां ये सब दारू डांस वगैरह नहीं चलेगा, इस चीज की कमी है और इसी के लिए लौट के फिर आएंगे ये अगर दोबारा आएंगे तो। अच्छा अच्छा, ये 700 किसान थे वो इसीलिए बैठे हुए थे जिनकी शहादत हुई, आपको ही लग रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं चावला जी? एके मिश्रा आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ। जिनकी जान, अरे चावला जी मैं 700 की मृत्यु पे भी मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात ना। मृत्यु किसी की भी हो व्यक्तिगत तौर पे मैं उसको गलत मानता हूँ, मैं बड़ा दुखी होता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि जरा ये मुद्दा उठाइए कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर को, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी? हुक्का का जुगाड़ तो हो गया, दारू का जुगाड़ हो गया, डॉक्टर का जुगाड़ नहीं हुआ। ये बताएं, ये सरकार को लिख के दे कि 700 किसान मरे हैं और सरकार उसकी, ये इनको बोलिए कि ये सरकार से मांग करे जरा जांच करवाया जाए कि वो किसान कैसे मरे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और जो किसान मरे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मैं मांग करता हूं जो किसान मरे हैं केस के तह में जाए और मुआवजा दे, जिनके कारण वो मरे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक सेकंड, ले ना जिम्मेदारी। टिकैत टिकैत कभी गए? आज तक टिकैत गए? ये चौधरी साहब नेता बैठे हैं, इनसे पूछिए एक किसान का नाम बता दे जिसकी मौत हुई हो, जिसके घर में ये गए हो। कौन से मरे हुए किसान के घर में ये गए हैं? इनको हुक्का गुड़गुड़ाने और लड़कियों का, बेटी के उम्र के लड़कियों का नाच देखने से फुर्सत मिले तब ये मौत की बात करें ना। अरे तुम डांस करवाते थे क्या वहाँ मिश्रा जी? अरे तुम करवाते थे, हम नहीं करवाते थे। तुम बेलते थे? अरे शर्म करो, क्या क्या बोल रहे हो, अपनी उम्र का लिहाज करो। तुमको ये नहीं पता कि क्या कहना है क्या करना है? तुम करो। अरे तुम्हें क्या पता है आंदोलन किस लिए था? कभी गए हो डांस? कहाँ आंदोलन था वो जगह पता है? ये सुनी सुनाई और फर्जी बातें करते हो, बीजेपी के पत्तल चाट बने हुए हो। ये पता करो कि आंदोलन कहाँ था, लोगों ने कैसे वहाँ ठंडी झेली, कैसे गर्मी झेली, कैसे बरसात झेली। चौराहे पे तुम कब्जा करके बैठे हो 50 बार। अरे चौराहे का कब्जा किया है तो चौराहे किसका है? चौराहे चौराहे किसानों का है ना? हम देखते थे कि क्या क्या। अरे आप वहाँ तक गए नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है, यहाँ हवा में बात कर रहे हो, ये गलत बात है मिश्रा जी। रखा हुआ है ना
ये बताइए जब आप वहां तक गए नहीं हो, आपको वहां की जानकारी नहीं है, ये उलझुल बात करने से क्या मिलेगा आपको? सारा जो है जानकारी, ये उलझुल बात करने से क्या मिलेगा? अभी जो आप कह रहे थे, आपसे हम पूछने लगे, अरे इन्होंने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर देंगे, हो गई आय दुगनी, सारी जानकारी है। अरे इनको गन्ने का भुगतान कह रहे थे 14 दिन में, हो गया गन्ने का भुगतान, सारी जानकारी, हमारा पशु सब खा रहे हैं, इनका जुगाड़ हो गया, ये बिजली कितनी महंगी आ रही है पता है? पता बताओ जिसकी, अरे मिश्रा जी मैं तो पूरा एड्रेस भेज दूंगा, मैं 709 चेहरा उठा के चले जाओ। मिश्रा जी सुनो, तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, मैं 709 लोगों की लिस्ट में भेज दूंगा, मेरे पास है। किसान का नाम बताओ, उन 700 किसान, अरविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, अरे मैं तो तुम्हें हजारों नाम बता दूंगा, मैं तो तुम्हें पूरी लिस्ट दे दूंगा। अरे चलो, अरे मेरे पास पूरे नाम की लिस्ट है और हम सब जगह गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम खाली बीजेपी के पक्षधर हो और अंधभक्त हो, अंधभक्त हो, अंधभक्त, अंधभक्त हो। हमारे पास तो पूरी लिस्ट है, हम लोग गए हैं, हम लोगों ने उनकी मदद करी है। पूछ किधर होती है, तुमने किधर किया है, किधर होता है बैल की पूछ किधर होती है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें खुद का नहीं पता, कहाँ हो, क्या हो, नशे में बोल रहे हो क्या? मतलब हम लोग हल चलाते हैं, बैल की पूंछ नहीं पता है, नशा तो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अरे ये सत्ता का नशा है तुम्हारे ऊपर मिश्रा जी, ये सत्ता का नशा है, झूठ का नशा है, कहाँ से तुमको पकड़ लाए आज तिलक जी? बैठते थे ठंड में और गर्मी में, अरे तुम देते थे नशे के लिए पैसे, मीडिया में भी खबरें आई थी, नहीं तुम देते थे नशे के लिए पैसे, ये उलझुल की बात करते हो, ये उलझुल की बात मत करो किसानों के लिए, तुमको ये नहीं पता आंदोलन कहाँ हो रहा था, क्या स्थान था, कितना बड़ा आंदोलन था, अपने घर के कोठरी पर ये बातें कर रहे हो, घर की कोठरी से बातें नहीं चलेंगी, लौट के बुद्धू घर को आए, फर्जी किसान वापस जाओ, अरे फर्जी किसान ने तो क्यों मान ली बात, कोई सम्मान, अरे मिश्रा जी जब फर्जी थे तुम्हारे लिए, जब फर्जी थे तो क्यों मान ली बात? मिश्रा जी आपके पास कोई जवाब नहीं बनेगा, तर्कहीन बात कर रहे हो, कोई सम्मान नहीं, बेटी की उम्र की लड़कियों, तुम लोग अभी बात करो, बीजेपी के पत्तल चाट हो, तुम्हें पता नहीं है क्या करना है, क्या कहना है, तुमको ये नहीं पता क्या करना है, क्या कहना है, मुट्ठी भर किसान थे, फर्जी किसान थे, तो क्यों घुटने टेक दिए तुम लोगों ने, अरे क्यों घुटने टेक दिए, क्यों किसान की बात मान ली? 700 किसान हो की मौत के जिम्मेदार जो ये नेता है, किसान फर्जी उनके, अरे तो करो ना कानूनी कार्रवाई, ये गए मुझे बताइए ना, 709 लोगों के जिम्मेदार तुम ऊपर गए, हत्या का आरोप दर्ज होगा मिश्रा जी, हो रहा है कि तुम फर्जी वहाँ पे बैठे हुए थे, अरे हम तो कर रहे थे तो तुम रोक लेते ना, अगर तुम्हें लग रहा था कि गलत कर रहे हैं तो रोका क्यों नहीं, सरकार निकल रही, अरे हम तो तुम लोग निकम्मे हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे, तुम्हारी वजह से सब हो रहा था ना, अरे देश रुक जाता है, अरे किसानों के लिए तुमने अपना रोना रोया है, तुम्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें वोट चाहिए, तुमको अपनी सीट का लालच है, तुम्हें सत्ता का लालच है, इसलिए जो है कानून वापस, सरित भाई प्लीज, उसी से तुम्हारा घर चलता है, सत्ता की दलाली से, सरित भाई, सरित भाई प्लीज, किसानों ने तो दुनिया को वहां पर बैठ के अन्न खिलाया है, किसानों ने तो एके मिश्रा, एके मिश्रा, एके मिश्रा प्लीज, प्लीज सरित भाई, अरे सरित भाई, सरित भाई प्लीज, एक सेकंड, एके मिश्रा करके कमरे में बैठ के बात बना रहे हो, जो लोग वहां किसान ठंडी में मर गए, बरसात में मर गए, गर्मी में मर गए, तुम गए नहीं हो, हमें तुम्हारी सच्चाई पता है, तुम क्या करते हो, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता होता तो यहाँ ना बोलते, दारू की बोतलें लेकर के गलत काम हो रहा था तो सत्ता थी ना तुम्हारी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया सत्ता का? अरे सत्ता हमारी 47 साल से है, 47 साल से आजाद, 1000 साल तुम्हारी तो 2014 से आई है, तुम्हारे लिए तो देश 2014 से बना है, तुम लोग तो उनके अनुयायी हो जो ये देश में गद्दारी करते थे, हम इस देश के अनुयायी हैं, गद्दारी, लॉजिक कोई नहीं है तुम्हारे पास। मलिक साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, एक के मिश्रा प्लीज, एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज।
प्लीज सर एक साहब मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इस तरह की डिबेट चर्चा नहीं करता हूं। प्लीज आप भी जानते हैं और एक मिश्रा भी जानते हैं, बेवजह इस मुद्दे को तूल देने से अच्छा यह है कि हम मुद्दों पर चर्चा करें। अभिनंदन त्यागी जी मेरा ऑडियो आ रहा आपको जी, अब अनिल त्यागी क्या मुझे सुन पा रहे? हेलो, मेरा ऑडियो नहीं जा रहा अभिनंदन त्यागी, प्लीज कनेक्ट नहीं है। लेकिन संजीव अभिनंदन त्यागी मैं आपसे एक बात जानना चाहता था, अगर मेरा ऑडियो आप तक पहुंच गया, आपको लगता है कि यह आंदोलन अब खत्म हो गया? ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। जो किसानों की मांगे हैं, किसानों को इन्होंने लॉलीपॉप थमाने का जो काम किया है, लेकिन किसान इन पर शक और संदेह की नजर से देख रहे हैं। इन्होंने अपना भरोसा खुद ने खो दिया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसे तमाम विपक्ष का समर्थन प्राप्त है। किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार एक साल से ऊपर हो गया है। कभी उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी ये लोग कहते आए हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं। एक नैरेटिव बनाने का काम ये लोग लगातार करते रहे। इनका मंत्री टहनी किसानों का दो मिनट में इलाज करने का खुले मन से चेतावनी दे रहा था, और अपने लड़के से उन्होंने नरसंहार भी करा दिया, किसानों को कुचल दिया गाड़ी के पहिए के नीचे से। तो दूसरी तरफ हरियाणा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि ऐसी नौजवान बना दो जो 1000 से ज्यादा लठैत तैयार हो जाए और किसानों की पिटाई करें, इसमें चाहे उनको जेल जाना पड़े वन पर वो नेता बन जाएंगे और जमाने की चिंता ना करें। तो ये क्या नैरेटिव बनाना चाहते हैं? किसान को क्या चाहते हैं? मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, चलिए अब जो हो गया वो सबके सामने है, लेकिन मैं एक उस विषय पर आना चाह रहा हूँ कि सरकार आपकी रही, सत्ता आपकी रही, यूपीए सरकार का भी मैं जिक्र कर दूं और इस वक्त भी तमाम राज्यों में आपकी सरकारें हैं। मैं एक सवाल का जवाब आपसे चाहता हूं कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसका जिक्र करके हम ये कहें कि एनडीए सरकार जो है उसे लागू कर ले, मोदी सरकार उसे लागू कर ले। कोई एक ऐसा आपने उदाहरण पेश किया है किसानों के हितों के लिए, कोई ऐसा फैसला जो एक नजीर साबित हो? अभिनंदन त्यागी इनसे यही पूछ लीजिए, किसानों को टमाटर आलू का दाम कैसे मिले, क्या तरीका है, पूछ लीजिए जरा, देखें इनको कितना ज्ञान है किसानी का। ओके, एक सेकेंड, किसानी का ज्ञान सबको हो गया, मैं जानता हूँ, सबको मालूम चल गया है कि C250 क्या होता है, ये भी पता चल गया। लग जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। 23 फसलों में मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, 23 फसलों में MSP दिया जाता है और उसमें से 4 फसलों पर गेहूं और धान पर 28% और गेहूं पर 22% और 19 फसलों की 10% पर कम खरीद होती है, पूरे देश को पता चल गया है मिश्रा साहब। लेकिन एक सही अब मम्मी क्या बताइए ना, वो कौन सा ऐसा मॉडल है जो नजीर साबित हो जिस पे हम संजीव वर्मा जी को कहें कि आप अपने राज्य में लागू कर लीजिए और अपनी यूपीए एनडीए सरकार को भी लागू करवा दीजिए। अभी मम्मी क्या दुनिया भर में कांग्रेस पार्टी की जो नीति लागू हुई भारत में, आज मछली उत्पादन में भारत नंबर वन है, सब्जी एक्सपोर्ट में भारत नंबर वन है, दाल एक्सपोर्ट में भारत नंबर वन है, वो सब कांग्रेस पार्टी की नीति की वजह से हुई है। इनसे पूछें कि कौन सी क्रांति इन लोगों अंबानी अडानी अभिमन्यु जी आपके समय पे यूरिया की कालाबाजारी हुआ करती थी, हमने यूरिया को नीम कोटिन किया, किसान को यूरिया सस्ता मिल रहा है और सुलभ हो रहा है, यूरिया की कीमतों में आधी 50% करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। एक के मिश्रा पहले सरकारों ने किसानों की सारी समस्या दूर कर, किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, फसल बीमा योजना। मिश्रा जी जब पहली सरकारें काम कर रही थी तो आप कहां थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, ये बताइए, अगर ये कानून आए थे तो इनमें जमीन छीनने का प्रावधान था, पढ़ो उनको, उसमें लिखा था के हितैषी हैं हम, किसान के हितैषी हैं। आपने सत्तर सालों से इस देश पे राज किया, आपने किसान को आय बढ़ाने के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, आप हमेशा ये सोचते रहे कि किसान को बिल्कुल दीनहीन बनाए रखा जाए ताकि हम किसान को एक वोट बैंक के रूप में हम इस्तेमाल करते रहे।
और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। भू राजस्व का मतलब होता है जमीन कुर्क करना। एक के मिश्रा एक सेकंड किसानों को आप जैसे लोगों ने ही तो बदनाम करने का काम किया है और फिर उन्हीं के सामने झुकने का काम किया है। आपके लखैत ने किया है सर किसान। अरे लखैत के लखैत चलते तो आप वहां ना रुकते। देश के किसानों को ये बर्बाद कर रहे हैं। आगे से आप नहीं चिल्लाएंगे ना कि पार्ले का बिस्कुट क्यों 10 रुपए का बिकता है और हमारा टमाटर क्यों 2 रुपए किलो बिकता है? अरे हम जो जायज होगा वो बात कहेंगे। मिश्रा जी ये बात बताइए क्यों 50 रुपए किलो बिकते हैं? मिश्रा जी ये बताइए क्या आप नहीं चाहते? चिल्लाएंगे ना? अरे सुनो सुनो, क्या आप नहीं चाहते किसान को फसल का दाम मिले? सुने यार हमें पता है, क्या आपको नहीं पता फसल का दाम मिलना चाहिए? क्या उसको आधे रेट में फसल बेचेगा? अरे लौट के बुद्धू घर के आए, जाइए घर जाइए एक साल से घर वाले। अरे बुद्धू तुम लोग हो, तुमको घुटनों पर हाथ जोड़ के माफी मांगी है। इकोनॉमिक्स को समझना। अरे हाथ जोड़ के माफी किसने मांगी है? आपके हाथ जोड़ के माफी किसने मांगी है? आपके बस। अरे जिन्होंने मांगी होगी उनकी मजबूरियां रही होंगी। तो फिर क्यों उनकी चपरासगिरी कर रहे हो? जो हमारा स्टैंड था वो। अरे फिर उनकी चपरासगिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलना, क्या लालच है? यहाँ बात है देश का असली किसान वर्सेस देश का फर्जी किसान। और हमारी असली किसान कौन होता है? तुम्हारे पास कौन सी मोहर है? अच्छा। आपको बैठा कर अरे तुम्हारे पास कौन सी मोहर है ये बताइए? असली और नकली की क्या पहचान है ये बताइए? कब कब क्या? अरे ये आरएसएस वाले लोग थे जो हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटते, तुम किसान होने का बांटोगे? अरे किसान की एबीसीडी नहीं पता तुम्हें? सरकार को तुम्हें किसान की एबीसीडी मिली है? ये चीज अरे हमने तो करा दिया मिश्रा जी, हमने तो करा दिया। अगर तुम्हें संजीव वर्मा साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अब एक उदाहरण के तौर पर मैं चाहती दर्शक इस बात को समझ पाए। एक सेकेंड प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि गन्ने की फसल को लेकर 1966 का कानून है, उदाहरण के तौर पर संजीव वर्मा साहब, मलिक साहब अगर गलत बोलूंगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, और उसमें 14 दिनों में पेमेंट के भुगतान का भी जिक्र है, 14 दिनों में कानून है। लेकिन क्या गन्ने का भुगतान 14 दिनों में होता है? मेरा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि एमएसपी की गारंटी का हम जिक्र करें, लेकिन क्या एमएसपी मिलती है? संजीव वर्मा साहब ईमानदारी से जवाब दीजिए, एमएसपी मिलती है क्या? तिलक जी देखिए, एमएसपी मिलती है। कहाँ मिलती है? जो जितने किसान भाई अपनी उपज सरकार के क्रय केंद्रों पर लेके जाते हैं उनको एमएसपी मिलती है। सर मैं बता रहा हूँ आपको, 23 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। मैं अगर गलत बोलूँ तो तू करेक्ट करेगा। 23 फसलों में से 4 फसलों पर गेहूं और धान की बात कर लूं तो गेहूं और धान पर 28% और गेहूं वो 22% की खरीद होती है। तिलक जी इस बार एमएसपी का अगर यदि आप आकलन देखें और खरीद देखें तो पिछले सालों की अपेक्षा इस बार लगभग 20% अधिक एमएसपी पर खरीद हुई है। सर 6% आपका आंकड़ा, 6% मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, 6% आपका आंकड़ा है, आप ही का आंकड़ा बता रहा हूँ कि देश में 6% एक बार एमएसपी की खरीद होती है। और जैसे आप गन्ने का मूल्य की बात कर रहे हैं तो गन्ने का मूल्य भी बढ़ा है और किसान ने सभी चीनी मिलों को हिदायत दी है कि 14 दिन के अंदर आप गन्ना मूल्य का भुगतान करें। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या होता है क्या नहीं? एक्ट तो ये भी कहता है कि ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन दिया जाता है क्या? भुगतान नहीं हो रहा 14 दिनों में, तो एमएसपी को लेकर कानून। इसीलिए मैंने कहा गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए 2011 में आपने कहा कि वैधानिक दर्जा दे देंगे, अब वो मांग थी वैधानिक दर्जे की। आज तक 2021 आ गया, आपने उसको लेकर क्या किया? जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री तब आपने कहा कि वैधानिक दर्जा, आज प्रशासनिक आदेश जारी करना एक हस्ताक्षर की जरूरत है, तो वो एमएसपी का सिर्फ कहा हुआ? तिलक जी देखिए, उत्तराखंड में किसान को 3 लाख रुपए का तक का हम ऋण दे रहे हैं 0% ब्याज दर पे, यानी कि यानी कि ब्याज मुक्त ऋण उनको दिया जा रहा है। हमने ग्रोथ सेंटर की स्थापना कराई है ताकि किसान और कंज्यूमर के बीच में कोई बिचौलिया ना हो और किसान को अपनी उपज का बेहतर और भरपूर मूल्य उसको मिले।
किसान खुशहाल हो, किसान की आय दुगनी हो, उनको बीज खरीदने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए, उनको खाद खरीदने के लिए, आपकी आय जो है वो 2022 में दुगनी हो जाएगी। नहीं, आपने तो पहले बोल दिया ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एमएसपी को लेकर, क्योंकि प्रशासनिक आदेश ही तो एक हस्ताक्षर की बात है, वैधानिक दर्जा देने की बात की, अब आप सरकार में है 2014 से लेकर 2021 तक, इन 7 सालों में आपने कौन सा मैकेनिज्म तैयार किया कि किसानों को एमएसपी मिले? तिलक जी देखिए, सरकार ने सभी किसानों से आग्रह किया है कि आप सरकारी जो खरीद केंद्र है वहां पर अपनी फसलों को लेके जाएं, अपनी उपज को लेके जाएं और सरकार खरीदेगी। यदि कोई भी किसी वर्कर या किसी अधिकारी के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही होती है तो उसका भी पूरी तरह से सरकार संज्ञान ले रही है और सभी संबंधित जगहों पे एसडीएम को तिलक जी दी गई है कि जो भी किसान इनको बताओ कि 6% खरीद होती है, अपनी लेके आता है 94% किसान कहाँ ले जाएगा अपनी उपज को? वापस ना, अभी गेहूं जो है 1400-1500 रुपए में किसान का बिका है, अभी धान 1000-1100-1200 रुपए में बिक रही है, कहाँ हो रही है खरीद? अरे तमाम नियम कानून लगा दिए जाते हैं। इन्होंने कहा पूरे देश के लिए हमने मंडी खोल दी, इनको पता होना चाहिए, इन्होंने एक प्रतिबंध लगा दिया। पहले किसान कहीं भी आलोचना करनी है तो आप आलोचना के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविकता को भी आपको स्वीकार करना होगा। आप ये देखिए, सरकार किसान के, मैंने पहले ही बोला, सरकार किसान के साथ है, सरकार किसान की बेहतरी के लिए, किसान और 10,000 करोड़ इस वर्ष का हो चुका है। सरकार ने डे वन से बोला है कि हम किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी समुचित कदम होंगे। सर एमएसपी भी उसके अंतर्गत ही आता है, एमएसपी पहले भी दिया जाता रहा है, आज भी दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाता रहेगा। मिश्रा जी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा तो स्क्रू ढीला हो गया है, किसान के बारे में किसी भी जानते नहीं हो। समस्या का समाधान, उपज बढ़ गई, सारे कर्जे माफ हो गए, सारे किसानों के पास, अरे हम जो करेंगे कर लेंगे, तुम्हें तो कोई जानकारी नहीं है, डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, तो खाली अपने नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे हो। सारी समस्याओं का समाधान जो है ये बीच वाले बिचौलिए जो डिबेट में भी बैठे हैं, जो सड़क पे भी बैठे हैं, उन्होंने कर दिया। अरे तुम्हारा तो भैया स्क्रू ढीला हो गया है, तुम तो ऐसे भोंकते हो जैसे गावारा गली के कुत्ते भोंकते हैं, उसी तरह भोंक रहे हो। हर अच्छा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं किसी मतलब से, वो करते रहो, गाड़ी चलती रहेगी, अपना भोगते रहो। तो हाँ बताओ कैसा है? हर वो ऐसे ही बौखला जाता है तुम्हारे जैसे भोको ना, जब देखते हैं इस देश, जब तुम्हें ये नहीं पता कि किस रेट में गेहूं बिक रहा है, किस रेट में धान बिक रहा है, बताओ किस रेट में धान बिक रहा है? अरे तो कर लो ना, सब तुम खरीदने के लिए बैठे हुए हो तो अब रेट की बात। अरे एमएसपी कितनी है धान की बताओ? सारी समस्या पता है, थी बिल वापस हो गया, अब रेट तुमको। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है तो क्यों भोग रहे हो? भोगना बंद करो। अब अरे किसान की एबीसीडी जानते नहीं हो, बीजेपी की दलाली करते हो, उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हो, बोलो रात के एंटरटेनमेंट का, क्योंकि अब तो एमएसपी बता दो तुम हमको, गेहूँ की कितनी है, धान की कितनी है? जब तुम एमएसपी नहीं बता सकते तो किसान की चर्चा में क्यों आ गए हो? वापस हो गया बिल, समस्या थी एक साल। अरे बिल हम जो करना हम करा लेंगे, तुमसे ठेका नहीं लिया है, तुमको तो भोकना है कुत्ते की तरह भोको, बताओ कितनी एमएसपी है मिल करके? अरे जो अन्न उगाता है, जो मेहनत करता है, जो फसल बेचता है, दर्द उसका होता है, और तुम तो चमचागिरी करके ले आते हो, बताओ ना कितनी एमएसपी है? तुम ये बता दो मिश्रा जी, धान की एमएसपी क्या है, गेहूँ की एमएसपी क्या है, तब आगे बात करना, नहीं तो जाओ और इनके पत्तल चाटो, इनसे अपना चंदा लो और अपना घर चलाओ। वहीं बैठ के सड़क पे जो है चिल्लाने के लिए आते हैं। अरे हम कहीं चिल्लाए, हमने सरकार को झुका लिया, अपनी बात मनवानी, तुम्हारी जिसकी जानकारी नहीं है उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आ गए हो। यही था कि असली किसान, अरे जब तुम्हें ये चर्चा किस बात पर कर रहे हो,
असल का भाव बता दो तुम। मैं ऑडियो पीछे कर दूंगा मलिक साहब प्लीज। अब तुम्हारे एके मिश्रा साहब असली बात आ गई है। एके मिश्रा, अरे ये फर्जी कहां से बैठा लिया तिलक जी? इसका स्क्रू ढीला हो रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मिश्रा जी बिचौलिए लोगों को जो ना तीन के हैं ना तेरह के हैं। अरे हम तो सब कुछ करते हैं, हमने तो जो है जो चाहिए था वो ले लिया, लेकिन तुम्हें तो फसल का रेट तक नहीं पता है। देखो किसानों वाली है, आटा भी मांग के लाते हो खरीद के लाते हो। मिश्रा जी आटा मांग के लाते हो खरीद के लाते हो? हम पैदा आटा मांग के लाते हो खरीद के लाते हो, ये बताओ। हम पैदा करते हैं, झोला लेके जाते हो क्या सुबह? वही खाता आपको दे। अरे झोला लेके जाते हो मोहल्ले में? कितनी खेती है, कितने बैल हैं, कितने जानवर हैं, उसकी भी डिटेल दे दूंगा। बताओ पहले ये बता दो एमएसपी गेहूं की कितनी है? एमएसपी बता दो गेहूं की, धान की बता दो, नहीं तो सुबह झोला लो। मलिक साहब मलिक साहब तुम्हारी मलिक साहब आपकी लड़ाई मिश्रा जी से है क्या? एक सेकंड बिल वापस, एक सेकंड वापस। तो आप किस चीज पे बात करें तुम लोग? एक सेकंड प्लीज मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। बात करने के लिए पड़े हुए आप डिबेट डिले करने बैठे क्या? मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी पड़े हुए हो प्लीज, बस बहुत हो गया। मिश्रा जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? मिश्रा जी आपकी आवाज, ये गली मोहल्ले की डिबेट करा दी क्या आपने? मिश्रा जी मैं कनेक्ट करवा रहा हूं आपको, क्लियर करिए। मजाक बना दिया आपने मिश्रा जी, क्लियर करवा रहा हूं मैं आवाज, लेकिन कम से कम भाई मजाक बनाने वाले एक दायरे में रहता है। ये सियासी टूटूंगा मैं जुलूल बातें सुनने के लिए तो मजाक आप मुद्दों पे आप राजनीतिक विशेषक की भूमिका निभाइए ना। अगर आपको कभी दिखाई दे रही तो आप वो बताइए, आप सभी परी को तारीफ कर रहे हैं। वापस तो समझ प्लीज हो गई तो बैठने की क्या दिक्कत है, क्यों बैठ रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि समस्या खत्म, आप क्या करेंगे? समस्या खत्म कौन किसान है कौन नहीं, आप क्या करेंगे क्या? कौन फर्जी किसान है कौन? आप सर्टिफिकेट पार्ट नहीं किया मिश्रा जी प्लीज, देख सके सविंदर एक सेकंड कम से कम सुन तो लीजिए। संजीव वर्मा जी को यही पूछ रहा हूँ कि क्या करें भारत की किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, क्या करें कि ये आगे चल के ये ना बोले कि पानी का बिल 10 रुपए का बिकता है और हमारा 1 रुपए किलो क्यों बिकता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो करने मलिक जी बता देता हूँ, बता देता हूँ, उसका उदाहरण दे देता हूँ, उसका उदाहरण दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, उसका उदाहरण दे देता हूँ, उसका उदाहरण दे देता हूँ। मॉल में जाते हैं ना आप लोग, तो मॉल वाले हैं, मॉल पॉपकॉर्न खाते हैं ना, पॉपकॉर्न अंग्रेजी में पॉपकॉर्न 100 रुपए का, 50 रुपए, 50 पैसे किलो नहीं बिकता, 100 रुपए। मैं उसी एमएसपी का जिक्र कर रहा हूँ, क्यों बिकता है इस मुद्दे जी? मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसी का जिक्र क्यों फिक्र करिए? इसी मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। आप डिबेट को फर्जी किसान और असली किसान के लिए है। हाँ तो आपने कर दिया ना, एक सेकंड रुकिए ना मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड आप सुन लीजिए ना, इनको एग्री सर एक मिनट सुन लीजिए ना, अभी कबूल कर आप सुन तो लीजिए। सरकार को झुकाना हमारा मकसद था, इन्होंने अपने मुंह से कबूल किया जी, सारा मकसद ठीक है हो गया। एक ओके बता दीजिए, एक सेकंड मिश्रा जी, मिश्रा जी मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, मुद्दे प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार खरीद करती है जिसका जिक्र आप वर्मा जी कर रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एमएसपी पर खरीद जो करती है सरकार, 60% जो है वो व्यापारी एमएसपी पर बेचता है, 60%। अब एमएसपी पर 4,00,000 करोड़ की जो खरीद होती है उसमें से, जिसका दावा आप कर रहे हैं, अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, 2,50,000 करोड़ जो है वो सरकार किसानों को दे देती है और 1,50,000 करोड़ जो है वो व्यापारियों की जेब में जाता है। वर्मा जी मैं गलत बोल रहा हूं? ये कौन सी एमएसपी पर खरीद की आप दुहाई दे रहे थे वर्मा जी प्लीज? तिलक जी देखिए, हमने सरकार ने किसानों से आग्रह किया आप अपनी फसल ले आकर सरकारी क्रय केंद्रों पर जाएं। अब जो लोग अपनी फसल को वहाँ पर लेके जाते हैं उनकी फसल वहाँ पर क्रय की जाती है और जो सरकार ने उनका मूल्य निर्धारित कर रखा है। सर मैं उसी वो
4 लाख करोड़ का जो जिक्र कर रहे थे खरीद का, तो मैं उसी का ही आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। 4 लाख करोड़ का जो आंकड़े का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं उसी का आंकड़ा बता रहा हूँ। 1.5 लाख करोड़ जो है वो व्यापारियों की जेब में जाता है, ये एमएसपी की खरीद है। मैं गलत बोल रहा हूँ मलिक साहब? ये आंकड़ा मैंने गलत पढ़ा क्या? तिलक जी देखिए, अब जो व्यक्ति वहाँ पे, जो किसान भाई वहाँ पे जाते हैं सरकारी क्रय केंद्रों पर, उनकी फसल वहाँ खरीदी जाती है। अब हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं कर सकते ना कि अगर कोई कोई अपनी फसल किसी विभिन्न कारणों से वहाँ पर नहीं लेके जाते हैं, खुले बाजार में बेचना चाहते हैं, तो किसान स्वतंत्र है, उसको जहाँ इच्छा है वो अपनी फसल का यदि उसको बाहर अच्छा मूल्य मिल रहा है तो वहाँ बेचे, और सरकारी केंद्र पे अगर वो अपनी बेचना चाहता है तो वहाँ बेचे। तो सरकार ने तो एमएसपी अपने घोषित कर रखी है। अगर किसान को अपनी बेहतरी वहाँ पे लग रही है तो किसान को अपने वहाँ पे फसल बेचनी चाहिए। और सभी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। तो आप, मैं उदाहरण दे, मैं जी उत्तराखंड में भी घूम रहा हूँ, हम लोग जो है न्यूज़ पर इंडिया ग्राउंड जीरो पर जाकर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हरिद्वार ग्रामीण एक क्षेत्र है जहां से आपके खुद मंत्री वहीं से है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। गन्ना किसान ये कह रहे हैं कि भाई भुगतान तो छोड़िए, 4 साल में आपने रेट नहीं बढ़ाया, चुनाव आया तो आज आप रेट बढ़ा रहे। तिलक जी, ये कौन सा सम्मान हुआ? नहीं 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 तिलक जी, रेट पिछले साल भी बढ़े थे, इस साल भी बढ़े हैं। और कितने बढ़े सर? यूपी का हाल आपको मालूम है? 4 साल में आज रेट बढ़ा। तिलक जी मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूपी का भी और उत्तराखंड का भी जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बढ़ाए हैं और उत्तराखंड सरकार ने भी बढ़ाए हैं। और सर 1 रुपया भी बढ़ाया, 4 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया सर, बिल्कुल बढ़ाया। कौन से किसान की बात कर रहे हैं? ऐसे आज दुरी होगी तिलक जी, गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया है और गन्ने का जो तुलाई का एक जो रेशो हुआ करता था उसमें भी अंतर आया है, जिससे किसानों ने सरकार का धन्यवाद भी किया है कि इससे सरकार वो किसानों को लाभ होगा और किसानों को उनकी उनके गन्ने का उचित मूल्य भी मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए सवित मलिक साहब, हासिल क्या होगा इससे? हासिल क्या होगा? क्या हासिल हुआ किसान आंदोलन से? क्या वो समस्याएं सारी खत्म हो गई जिसका जिक्र एके मिश्रा कर रहे हैं? ऐसा है तिलक जी, ये जो कानून आए थे इनसे किसानों को खतरा था, हमारे देश के अनाज पर उद्योगपतियों का कब्जा हो रहा था, हमारी जो मंडियां थी उनको बंद होने की कगार पर चली जाती, जैसे कि बिहार में चली गई, क्योंकि मंडियों में टैक्स लगता था और बाहर इन्होंने व्यापारियों को फ्री, मतलब बगैर टैक्स के खरीदने की इजाजत दी थी। और इसमें व्यापारी तो पूरे देश में कहीं भी खरीद सकता था, बेच सकता था, लेकिन किसान अपनी तहसील में ही बेच सकता है। दूसरा जो कानून है, मैंने मिश्रा जी को भी बताया कि आप चाहो तो नोट कर लो, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा है कि एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा, जिसका बल डिग्री के समान होगा और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। और हमने जब सरकार ने कहा कि आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है, तो हमने करीब 50 पॉइंट सरकार के सामने रखे और सरकार ने उसमें से 22 पॉइंट पर सहमति जताई कि हम बदलाव कर देंगे, लेकिन हम कह रहे थे कि 50 में दिक्कत है। सरकार ने वो बात मानी और उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए, हमारी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और उन्होंने कानून वापस लिए। तो जो वापस हो गया, अब उस मुद्दे पर बात करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह है कि जो हमारा नुकसान होने वाला था वहां पर हम बचे। और आगे क्या है, हम कहते हैं हमारी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान। नहीं, नुकसान का अगर मलिक साहब नुकसान का आकलन मैंने एक देखा, एक रिपोर्ट में पता चला कि साल 2000 से 2005 का आंकड़ा बताता है कि 45 लाख करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ इन 15 साल में। जी, 45 लाख करोड़ का जी। तो क्या जो मिश्रा जी कह रहे हैं, मिश्रा जी हमारी बात को समझें, क्या आप एमएसपी पर? हाँ तिलक जी, मैं कह रहा था
मिश्रा जी एक मिनट आप जवाब देना, मैं कह रहा हूँ हमारी मांग इतनी है कि जो हम फसल बो रहे हैं जिसकी लागत सरकारी एजेंसियां तय करती हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए, जैसे उन्होंने धान का 1940 रुपए सपोर्ट प्राइस रखा है और हमारे देश में 900, 1000, 1100 में धान बिक रहा है, तो हमारी इतनी मांग है कि अगर उससे कम कोई खरीदता है तो उस पर सजा का प्रावधान हो, ऊपर कोई कितना भी खरीद ले उसमें क्या दिक्कत है। तो ये बताइए हर आदमी अपनी चीज को जल्दी से मिश्रा जी मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है एमएसपी पे बेचना चाहता है, लेकिन किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकारी एजेंसी तय करती है वो मिल जाए तो उसमें देश को क्या दिक्कत है या आपको क्या दिक्कत है। ओके एके मिश्रा मेरे को कार्यक्रम वाइंड अप करना है, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से। और व्यक्तिगत मेन मुद्दा ये है, इन्हीं किसानों ने ये उठाया था हमारा गेहूं बिकेगा सड़क पे सड़ेगा, पार्ले का बिस्कुट बिकेगा 10 रुपए का, टमाटर हम फेंकेंगे सड़क पे 2 रुपए किलो नहीं बिकेगा और उसके चिप्स वगैरह जो कंपनियां बनाती हैं 50 रुपए किलो। मुझे तो इसी समस्या का समाधान दे दीजिए, ये बिल वगैरह जो है ना वो सब चीजें इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ना कुछ होता है, एमएसपी वगैरह भी इन्हीं समस्याओं। मुझे एक मॉडल जो अपने आप को बहुत विद्वान बनता है किसानों की तरफ से, आप उनको ले आइए और सुबह से शाम तक डिबेट करवा लीजिए कि किसानों की जो इकोनॉमिक्स की पैसे की इनकम की प्रॉब्लम हो कैसे दूर करें। अपना मॉडल ये बना के ले आए, अपना मॉडल बना के मैं ले आऊंगा। 2015 रुपए अभी एमएसपी डिसाइड हुआ है ये गेहूं का, इससे सारे किसानों का भला हो जाएगा? कितने ऐसे किसान है देश में जो जो है हजारों क्विंटल गेहूं उगाते होंगे बड़ों को छोड़ करके, छोटे ऐसे हैं, कैश क्रॉप का कॉन्सेप्ट कहां गया? सारे फसलों पे तो एमएसपी दे नहीं रही है सरकार, ना देगी कभी। मिश्रा जी टमाटर पे एमएसपी मिल रही है, मिश्रा जी यही तो मैं चर्चा करना चाह रहा था, मैं तो चर्चा करना चाहता था। प्याज और आलू का भी जिक्र कर लीजिए ना, टमाटर का जिक्र जो करते हैं बिल्कुल करेंगे, प्याज और आलू का भी करेंगे। क्यों किसानों को प्याज का दाम नहीं मिलता, व्यापारियों को मिलता है, बिचौलियों को मिलता है? चर्चा होनी चाहिए मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी कल सुबह से शाम तक कर लीजिए, इकोनॉमिस्ट को बैठा लीजिए, किसानों को बैठा लीजिए, हम तो तैयार हैं। बिल्कुल 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 करेंगे, बिल्कुल करूंगा पक्का कर। मैं तो पिछले एक साल से कर रहा हूं साहब, उनको बोले जो हिंदू मुसलमान करते हैं रोज, जो कंगना के छज्जे पर चर्चा करते हैं, आपने चावला जी आप जानते हैं डिबेट मेरे साथ किसान के मुद्दे पे की है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं एक चीज और बोलता हूँ, एमएसपी की गारंटी आप और ले लीजिए, 100 रुपए 200 रुपए बढ़वा दीजिए, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वही खड़े रहेंगे किसान। मलिक साहब वक्त की जरूरत नहीं दे रहा, बहुत बहुत विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी आपका ज्ञान भी मैंने देख लिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी आपका भी, मलिक साहब आपका भी, एके मिश्रा आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ सवाल यही था कि आंदोलन से किसे फायदा और किसे नुकसान। इस एक साल 16 दिन में किसानों ने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि आज देश में चर्चा किसानी की हो रही है और यही देश चाहता है। क्यों आप बढ़ते हैं हिंदू और मुसलमान ने, किसान तो एक ही धर्म है, वो है किसानी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।